नमस्कार मित्रों, आज हम लोग कायस्थ कुलगौरव रविनंदन सहाय जी के बारे में जानेंगे, जो बागी स्टेट के राजा थे और अपनी पीढ़ी में अंतिम थे। वो तो कायस्थ कुलगौरव बागी राज परिवार के अंतिम चिराग प्रसिद्ध समाजसेवी और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रविनंदन सहाय जी हमारे बीच नहीं रहे। रविनंदन सहाय जी बागी स्टेट के राजा, बिहार विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति व बिहार विधानसभा के MLC, संविधान सभा के सदस्य श्री राय बहादुर श्याम नंदन सहाय जी के पौत्र थे। इनके पिताजी कृष्ण नंदन सहाय पटना से लगातार 7 बार मेयर रहे थे। सहाय जी अपने युवावस्था से ही समाज सेवा, समाज हित के लिए तत्पर रहे। अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद पुश्तैनी संपत्ति को भोगने के बजाय उन्होंने अपना कार्य करना चाहा। वह अपने जीवन में एक सफल उद्योगपति रहे। वह तिरहुत शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय, श्याम नंदन सहाय महाविद्यालय, KN सहाय इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंट एंड अर्बन डेवलपमेंट, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, एसोसिएट पिगमेंट लिमिटेड, सहाय प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट के अध्यक्ष रहे। वे एक उद्योगी के साथ साथ समाजसेवी भी रहे। दिहंगर प्रोजेक्ट न्यूयॉर्क के बिहार परिषद के पूर्व अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद बिहार के महासचिव, इंडिया चाइना सोसाइटी बिहार के उपाध्यक्ष, एग्रीकल्चर सेल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष, ओसाइका इंडिया जापान बिहार के कोषाध्यक्ष, मानवाधिकार संघ बिहार के सदस्य, बिहार उद्योग संघ के पूर्व कार्यपालक सदस्य, भारत पुनर्वास केंद्र दिल्ली के सदस्य, बांकीपुर एवं पटना गोल्फ क्लब के सदस्य के रूप में रहे। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के अध्यक्ष श्री रविनंदन सहाय ने कायस्थ समाज के कल्याण के लिए लगभग 50 लाख का ट्रस्ट बनाकर और कायस्थ पत्रिका को अपने मार्गदर्शन संरक्षण में पटना से पुनः प्रकाशन कराकर पूरे देश में यात्रा करके कायस्थ महासभा को पुनः जीवंत कर मजबूत आधारशिला रखी। वे अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में अतुलनीय योगदान दिए। इनके ही प्रयासों से महाराज कोड़लमल द्वारा बनवाया हुआ जो चित्रगुप्त मंदिर था, जो मूर्ति थी 500 वर्ष पुरानी, उसको छुड़ाया गया और इन्होंने आदि चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण भी कराया। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारे सामाजिक कार्य किए। तो अब देखते हैं कि न्यूज़पेपरों में क्या लिखा है इनके बारे में। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पे और देखते हैं न्यूज़पेपर क्या लिखते हैं इनके बारे में। तो इस पेपर ने लिखा है, कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निधन, सुना हुआ सहाय सदन, मुख्यमंत्री ने रविनंदन सहाय के निधन पर शोक जताया, सहाय सदन एक भवन नहीं लैंडमार्क, रविशंकर प्रसाद ने कहा है, उप मुख्यमंत्री सांसद समेत कई नेताओं ने व्यक्त किया शोक। तो ये जागरण ने छापा है। इस पेपर ने लिखा है, नहीं रहे बागी स्टेट के चिराग और कायस्थ महासभा के अध्यक्ष रविनंदन सहाय। जनमत की पुकार लिख रहा है कि नहीं रहे अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर भैया। एक और पेपर लिख रहा है कि कुशल संगठनकर्ता और समाज सेवी थे सहाय, कई संस्थाओं से रहा जुड़ाव। ये उनका अंतिम फोटो है। जागरण लिखता है, कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निधन। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करें। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही जानकारियां लाते रहें। नमस्कार।